सावन के महीना में कोनो दुल्हीन अपने मरद से कुछ मंगावा था, का मंगवले बा? ये मांगा था सब चिंता बिखरिया भी सहर लई दा, ये गो गेरुआ कलर वाली साड़ी लई दा। चिंता बिकरिया भी सहर लई दा, एगो गेरुआ कलर वाली साड़ी लई दा। दुल्हन कहा था जा ये सावन में कोहर जल ढारी लई दा, एगो चार चार चक्का वाली गाड़ी लई दा। राजा आई भैया, सबसे पहले हम बिरहा गायिका ज्योति यादव सब श्रोता बंधु के पैर छुके प्रणाम करत हई। ई बिरहा हरिओम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो था और इस चैनल पे जाई जोने चैनल के नाम हा प्यारे लाल कवि म्यूजिक। आप लोगों से उम्मीद बा, आशा बा, ई बिरहा के हमरे हर बिरहा की तरह आशीर्वाद प्यार दुलार मिली। आई गुरु जी स्वर देखे बिरहा, जोने बिरहा के शीर्षक है खाटू श्याम की उत्पत्ति। महाभारत से गुरु जी वीर रस के भाव हतनी उठा के दा। अरे पराजित हुआ काल का कारवा, वीरता वीर बालक की जानी गई, हंस रहा था कटासी से आकाश में, सुर्खियों में विजय मौत मानी गई। हमरे कवि जी बिरहा के देख के उतना ही सुंदर गजल के लाइन लिखलन गुरु जी, कैसे गजल के गीत था। ई हमरे गुरु जी के गुरु स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का बतरलन, कैसे अरे कहबे में, अरे कहबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है।
लेकिन गजल से बढ़िया भाव है गुरुजी, वीर जवानन खातिर हमरे कवि जी माननीय श्री गया कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखलन। कैसे अरे सब नम जला डाला सबनम में छुपा सोला अंगार बना डाला, संग्राम की वेदी पर संसार जला डाला। यही से गुरु जी हमारे कहानी की शुरुआत था शेर में कहना। साम्राज्य ने साम्राज्य ने कराया विस्फोट वंश में, साम्राज्य ने कराया विस्फोट वंश में, नियत मचलने लगी है खोट वंश में। कहानी यही से शुरुआत होता, जन्मा के पाँच बेटे जन्मा के पाँच बेटे पांडु गुजर गए, धृतराष्ट्र को भतीजे पाँचो यखर गए। कहुई पावन कुरुक्षेत्र जंग की, तारी कहुई पावन कुरुक्षेत्र जंग की, बाजी है दम शक्ति विकराल रंग की। ए भैया कहानी के हमरे यही से शुरुआत था, कहानी कब और कहां से हमरे कवि जी लिखत हुवन। कहानी जोने समय कौरव और पांडव में लड़ाई भई, लड़ाई के पहले धृतराष्ट्र से माई कुंती जाके विनती करा था कि ये भैया आप तो बड़ हुआ, घर क्या मुखिया हुआ, आपके फर्ज बनेला कि परिवार के छोटी बड़ी गलती के समझौता करावल। आज हमारे लड़िकन के हक और अधिकार देवे से आपके बेटा मना करत था, तो आपके जिम्मेदारी बनेला कि आपके समझावा। ए बाबू धृतराष्ट्र मना कर दिया काहे खातिर, दुर्योधन बड़ा हठी रहल। दुर्योधन कहे लगल कि ए सुना, सुइया के नोक बराबर भी जमीन ना दे, हक और अधिकार के तो बड़ी बात बा। यार माई कुंती अपन पांचो लड़का के लेके लौटल हई ने भैया, अपने मन में विचार करत हई कि अगर ई लड़ाई होई तो दुनहु कुल के नाश हो जाई। ए भैया दोबारा जाके धृतराष्ट्र और दुर्योधन के मनावे लगलिन, लेकिन दुनहु जन जब जवाब दे देलन तो दोनों जन के बात सुन के माई कुंती अपने मन में सोचा था कि अगर ई लड़ाई होई तो कौरव की अपार सेना, हमार पांच लड़िका के का हाल हुई। लौटल बा लेकिन भेंट के सी भइल बा गुरु जी, गीत के लाइन बा।
अरे गोरी का तरिया सासु दहिया जमावेली, अरे गोरी का तरिया सासु दहिया जमावेली, हमारी त डारली जो रनवा राधा हो काधमा नमो हे, नसरती जेकर उपनाम अहिल्या बाई भी बतावल गई, जेकरे छोटा से लड़का रहल जोने लड़का के नाम बरबरीक बतावल गई। बरबरी के बाबू बगीचा में खेला था, यार माई से जब नसरती मिला था पूछे लगल कि ए माई तोरे आंख में आंसू काहे बा, तो माई पूरी बतिया बता देला शे भैया, कुंती पूरी बात बता के चल देलस अपने कुटी की तरफ। यार अहिल्या बाई उर्फ नसरती अपने बेटवा बरबरीक के बुला के एक बात कहा था गुरुजी का, अरे बेटा बरबरीक के मतारी तब बुलावली, अरे बेटा बरबरीक के मतारी तब बुलावली, बातिया के मानबा लल्ला नवा जल्दी हो दही दा दूधवा के दाम, नसरती अपने बेटवा बरबरीक के समझावा था कैसे। वाह सही है, अरे खानल माहा भारत देख भाई तो हरी बीरताईया, नहा देखाई बाबा ला बनावा जल्दी हो दही दा दूधवा के दाम, ए भैया नसरती अपने बेटवा के समझावा था कि ये बेटा बचपन से लेके आज तक बगीचा में तलवार धनुष चला के तू अपने आप के बड़का वीर समझेला, अगर वीर बने के चाहत होगा तो चल जा कुरुक्षेत्र के मैदान में जाके अपने ताकत के आजमाला। माई के बात सुन के ए बाबू वो 12 से 14 साल के लड़का हंस के कहे लगल कि ए माई तोके अपने दूध पे विश्वास ना हो, औलाद ना फौलाद हा, भेज के देखा तोरे दूध के कर्ज अदा करके आई। ए बाबू बरबरी खर्च के माई से एक बात और कहले का गुरु जी, गीत बदल गई, बहुत ही बढ़िया गीत बा, कौनो सास अपने पतोहु से बड़ी खुश रहल, लेकिन एक दिन ऐसा कोनो बात आ गई तो पतोहिया कह लगल कि ए माई हम तो सोचले कि हम ही नहीं हर से प्रोगलेट रहली, लेकिन तू बड़ी दिमागदार हो, लेकिन तोहू एकदम पागल निकल लू कहत कहा, बागुरा गई लुना यैया का बागुरा गई लुना, का बागुरा गई लुना यैया का
बहुरा गईलू ना तो हम तह ननबै के रहे बहु रहिया हम तह ननबै के रहे बहु रहिया अइया का बहुरा गईलू ना लेकिन यही बतिया समझावा था बरबरी के अपने माई के कि ए माई एगो बात हमारी याद रखी है कवन बात काहे डेरा गईले नार माई काहे डेरा गईले नार से माखा ताल था खराई हम से माखा ताल था खराई माई काहे डेरा गई ना जन्म दिले है ना एक पानी ना गर्मी ना ठंडी के उछू कहता हो बा तोहरे दूधवा के कीमत चुकाई बई तोहरे दूधवा के कीमत चुकाई बई झंडा हरड़ में छक्का दुश्मन के दे भाई छोड़ाई छक्का दुश्मन के दे भाई छोड़ाई माई काहे दे जा गई ना जो ही बरबरी के अपने घर से बहरी निकला था बाहर कन्हैया के खबर लग गई कन्हैया सोचा लगलन कि अगर बरबरी कुरुक्षेत्र के मैदान में जाई तो सब कुछ उल्टा हो जाए कन्हैया एक ठे खिलवाड़ कैलन कैसे गुरुजी अंतरा के भाव में ब्राह्मण के भेसवा बनाई वृद्ध ब्राह्मण के भेसवा बनाई माई काहे डेरा गईले ना बरबरी के रास्ता रोक लेलन कहाँ रोकलन एगो बरगद के वृक्ष के नीचे रास्ता रोक के सवाल कैलन कैसन सवाल गुरुजी गीत बदलत हो काहे जंगल बाडू लाल लाल वो ठगोरिया
रूपी भेष में जाके बरबरीक से सवाल कर दिए कि इतना कम उम्र है, हई उम्र में धनुष बाण लेके कहाँ चल देला। बरबरीक कलश के ब्राह्मण के जाति होके तोके दुआरी दुआरी भिक्षा मांगे के चाही और आई हो हमरा से संभाल करे। सवाल तब तो आर उचित लागी, तू और केहू होता तब न तो आर उम्र बा न तो आर जाति बा। बरबरी के बात सुन के कन्हैया के एकदम करेजा में लगल, कलन बारे देखे में छोट घाव करे गंभीर, 14 साल के लड़का इतनी बड़ी बात। अरे बाप रे बाप, कन्हैया इतनी बात सुन के सवाल कैलन कैसन गुरुजी। कैसे रोकबा समारिया में बाल बचबा, बरबरीक के बात सुन के कलन तू अगर लड़ाई करे जात हुआ तो एगो नसीहत के रूप में हमारे एक ठे बात सुनला। का कहलन? अरे सेना या पार कुरुक्षेत्र में तूफानी, अरे ले ले है छड़ में तो जिंदगानी, कैसे रोकबा समारिया में बाल बचबा। के अंदाजा भी बाकी हुआ कितना बड़ा बड़ा वीर आइल हुआ बरबरी कलश की, कितना बड़ा वीर आ जाए यहाँ। एगो चूटी की भांति मसल के रख दे, इतना पावर अहिरे के लड़के में बा। बारे कन्हैया कलन लागत भाई मानी ना, एकरे साथे कोनो न कोनो छल करे के पड़ी। कन्हैया एगो शर्त रख देलन। शर्त कैसन रखलन गुरुजी? अरे बरजन मन बा तब बात ये गो दे दान, अरे बरजन मन बा तब बात ये गो दे दान, अरे पीपर के पाती के तिरिया से छेदा। कैसे रोकबा समारिया में बाल बचबा, शर्त रखलन। शर्त कैसन रहल? वही पेड़े में जितना पाती रहल, कुल पतिया में एक ही तीर से छेद करे के रहल। बरबरीक जब बात सुनत कलस के इतने है ये शर्त बाप, तो एक छुटकी में हम करके दिखा दे। कन्हैया कलन लागत भाई के हम घास मुरई उचारे के बात करत है। कलन ए बेटा, आई पेड़े में देखा कितना पाती बा। कलस तोरे काम होए से मतलब बाकी हमारे कामों में अड़ंगा लगौ बा।
कन्हैया कलन्ना महाराज करके दिखावा फिर आगे बढ़ा। यार ए बाबू कन्हैया कहलन कि ना धनुष बाण उठ गई, तिरिया चला ले तिरिया चला ले बाबू, जैसे तीर चला लो इसे कन्हैया की आंख खुली के खुली मुंह खुला का खुला रहेगा। देखलन का गुरुजी गीतिया यहीं से बदलल है। हम गवनवा नाही जाब, हम गवनवा नाही जाब, पीछे परल यही रबे मनवा, पीछे परल यही रबे मनवा, हम गवनवा नाही जाब। लेकिन यार बर्बरीक धनुष मार उठा लेलस, तिरिया चलौले बाप। जब तिरिया चलौलस तब भइल का गुरुजी तब ललना वाह बाकाना, तब ललना वाह बाकाना, धैला सा धनुष के ऊपर बनावा, धैला सा धनुष के ऊपर बनावा, तब ललना वाह बाकाना। तीर चलौले बा पेड़े में जितना पाती रहल कुल पतिया में होत का हो गुरुजी, मारा बाण बिकट संहारी, मारा बाण बिकट संहारी, पाती छेदा सारी ना मोहन चकित हुए ते ही छनवा, मोहन चकित हुए ते ही छनवा, तब ललनवा हाँ बाकाना। जितना भी पाती रहल कुल पतिया में बर्बरीक एक ही तीर से छेद कर देलस। बर्बरी के वीरता के देख के कन्हैया दंग रह गइलन। लेकिन ओकरे पहले कन्हैया एक ठे चोरी कइलन। कैसन चोरी? चोरी किया मोहन एक पाती, चोरी किया मोहन एक पाती, छे दलव नहू के हमारी हसे बलवनवा, ठठा हमारी हसे बलवनवा, तब ललनवा हाँ बाकाना। जोन कन्हैया उ पेड़े से एगो पाती के चुरा के अपने एड़ी के नीचे दबले रहलन, कन्हैया कलन हो गई। बर्बरी कलश की सुना जोन है एड़िया के नीचे दबले हुआ, वो पतिया निकाल के देखा, वह में कहियो छेद हा। बाप रे बाप, कन्हैया जब निकाल के धीरे से देखलन तो वह में कहियो छेद निकलल। कन्हैया पूछे लगलन, कैसे पूछलन? ब्राह्मण रूपी कृष्ण कहे, अरे ब्राह्मण रूपी कृष्ण कहे, धन्य वीरता तेरी है, महाकाल भी थोड़ा है जब बाजी रण में बेरी है। किस वंश के दीपक हो तुम? अरे किस वंश के दीपक हो तुम? क्या नाम तुम्हारा बतलाओ? क्या क्या इस भिक्षा ब्राह्मण को शौक से तुम लड़ने जाओ? बर्बरी कलश के मोहे खानदान से है, जेकर नाम आज पूरा दुनिया जाना था, बतावा था नाम मेरा बर्बरीक सही। अरे नाम मेरा बर्बरीक सही,
खाली, अरे मांगुर इच्छा जो तुम्हारी बचन जाए मेरी खाली। बरबरी के बात सुन के कन्हैया एकदम अबाक रह गइलन। कलन तोरे खानदान के एगो नियम बा। एगो नियम हा, नियम कैसे बा? जे केहू वचन देला अपने वचन से कभो पीछे ना हटेला। अगर हमके तनी भी कहीं से भी तू गुरु मानत हुआ तो हमरा के दान में एक चीज दे दा। काम मंगलन गुरु जी टेरी के लाइन बा। अरे बीरताई, अरे बीरताई, जे करी धोखे में फसी तो जंग की बलि वेदी पर मांगे दान। कन्हाई लड़का, कन्हाई लड़का, जियो शेर, जंग की बलि वेदी पर मांगे दान। कन्हाई बिरताई जेकर धोखे में फसी, धोखा में फंसा के कन्हैया दान में मंगलन का गुरुजी भपट के लाई हूँ। अरे बचन बधा के करबहु ले करार मोहन बलदाई, अरे बचन बधा के करबहु ले करार मोहन बलदाई, तब दान में सिरवा मांग लिए उपहार मोहन बलदाई। अरे ब्राह्मण हो के सिरका करबा, अरे लाल कहे गुराई, जल्दी अपन भेद बतावा नाता सीसा गुड़ाई। अरे असल रूप में भइले तब तैयार मोहन बलदाई, अरे असल रूप में भइले तब तैयार मोहन बलदाई, तब दान में सिरवा मांग लिए उपहार। ए भैया कन्हैया कलन ज्यादा हमके कुछ ना चाहिए, बस एक ही चीज दे दा। बरबरी कलन का कलन वो अपन गर्दनिया काट के हमारे हथेली पे रख दा। अरे बाप रे बाप, इतनी बात सुन के बरबरी का अबाक रह गया। कलस के सुना इतना तो हमारे पास दिमाग हा, तू ब्राह्मण हो के हमार गर्दन मांगत हुआ, अब तोके लागत बतवार चाल हम समझ। कलन हम समझा दई बुझा थई तू के हुआ कहवा से आइल हुआ, असल में रूप तोहार का हा। जल्दी बतावा ना जतना पतिया में छेद करे तोरे शरीरिया में उतने कर। बरबरी के बात मान के कन्हैया कलन ही तो सनकी लागत हा, कुछ भी कर दे। असल रूप में जब ओलन तब बरबरी हाथ जोड़ के विनती करे लगल कि ए प्रभु आज का दुनिया के मालिक हुआ, कुरुक्षेत्र के रचना करे वाला आप हुआ, तो हमारे साथे छल काहे कहिला। कहिलन कैसे गुरुजी आल्हा के लाइन हो। अरे तो है ता करैला कुरु क्षेत्र के रचनवा ये मोहन,
जब देखले तो कन्हैया हुन कलश की तू तो कहत रहला कि कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म के लड़ाई हुई अधर्म के हार हुई। पहले ही हमारे साथ है अधर्म के नी थी काहे खातिर कैला। अगर तू हमार गर्दन ले ले बा तो अपने माई से जवन हम वादा करके आई लही वादा के का हुई। कन्हैया कलन एकरे पीछे गो कारण हक कारण जाने जगत हुआ बर्बरी कलश जरूर। कन्हैया बतावे लगलन कि अगर तू कुरुक्षेत्र के मैदान में जईबा तब पांडव के हार होई और कौरव के जीत, सत्य के हार होई असत्य के जीत। तो यही खातिर हम तुहार गर्दन मांगत है। ए बेटा हमरा के गर्दन अपन दे दा तुहार वीरता कबो खाली ना जाई। तोरे माई के भी उद्देश्य रहल कि तू पांडव की तरफ से लड़ा ना कि कौरव की तरफ से। अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में जईबा तो सब कुछ उल्टा हो जाई। ए बाबू कन्हैया के बात सुन के बर्बरीक कलश की प्रभु हम अपन गर्दन दे दे हम के तनिको तकलीफ ना बा। लेकिन हमारे मन में एगो इच्छा बा। इच्छा कैसन हा? हम अहू देखे चाहत है कि महाभारत के लड़ाई में कितना बड़ा वीर आइल होगन। यही से आपसे निवेदन बा विनती बा गर्दन तो हम काट के आपके दे दे लेकिन हमारे आँखी की रोशनी बुझे ना पावे। कन्हैया बात सुन के कलन बेटा ऐसे ही होई आशीर्वाद दे देलन। यार बर्बरी का अपन गर्दनवा काटे चला था खड़ी के लाइन लगल गुरुजी। अरे काट के अपने हाथ से थमावे सिरवा। अरे काट के अपने हाथ से थमावे सिरवा। तो लइका चल ले मोहन सनिया बा खाता मीरावा। बाबू गर्दन काट के बर्बरी कन्हैया के दे देलस। कन्हैया वो गर्दन के ले जाके सुमेर नामक पर्वत पे रख देलन जोने पर्वत से पूरी लड़ाई देखात रहे। अखिया के रोशनी जिंदा बा लड़ैया पूरी खत्म भइल पांडव के जीत भइल। जब पांडव के जीत भइल तो ए बाबूजी पांडव के अंदर तनी से घमंड आ गए। कन्हैया की खबर लगल कन्हैया कलन तो घमंड के वजह से कौरव के सर्वनाश भइल। अगर कम घमंडी पांडव के अंदर आ जाई तो इन्हों के सर्वनाश होए में तनिक भी टाइम। यही से नरिन के घमंड के तोड़े के पड़ी। कन्हैया पांचों भाई के लेके चलत कहां हुन गुरुजी। अरे जीत गए हैं जंग पांडव लाज का बादल छाया। अरे अर्जुन भीम नकुल सहदेव को चिंता भारी समाया। अरे छल कट बाप पौरुष के पुनियों बहुत नीरवा। ए भैया यार पांचों भाई के जब घमंड आई तब भगवान कन्हैया पर्वत पे ले जाकर बर्बरी के कटल सिर के सामने खड़ा कर देलन। कलन ए बर्बरी तोरे आँख की रोशनी जिंदा बा तो एगो काम करी। काम का करी ये बतावे के पड़ी कि पांचों में से सबसे बड़ा वीर के बा और कुरुक्षेत्र के मैदान में सबसे बड़ा योद्धा के रहल। बर्बरी बतिया सुन के हंसे लगल कि ए प्रभु आपके ना पता है ये पांचों में से केहू भी रहा कि केहू औरे हा। कन्हैया कलन हमके तो पता बा लेकिन ये पांचों के बतावे के पड़ी। कलन सुने चाहत हुआ अगर सच्चाई बता दे तो पांचहू जन के मुड़ी लटक जाई। कलन ना बेटा बता दे बर्बरी कलश की पांचों के छोड़ दा हमके कुरुक्षेत्र के मैदान में दुइये चीज लोकल उकार है
एको भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और एगो माई काली के तलवार। तो हम कैसे जानी पांचो लोग कहाँ खेलत रहलन। अरे बाप रे बाप, ई बतिया सुन के पांचहू जने के एकदम इज्जत और मेहनत सब माटी में मिल गई कि हमनी तो झूठ ही अपने आप के वीर समझत रह। आई कटल गर्दन तो पूरा मिट्टी में मिला देलस, पूरी बतिया खत्म कर देलस। कलन ई कैसे जाना था भगवान कन्हैया कलन ई हमार आशीर्वाद रहल कि एक सच्चाई दिखाई दे। यही से सच्चाई बतावा था कि तू लोग कुछ ना कैला, झूठ ही घमंड मत करा। अरे बाबू बतिया एकदम करेजा में लगल बा। बर्बरी के पांचों भाई नतमस्तक करके प्रणाम कैलन कि आप हमरा से बहुत बड़ा हुआ। वही समय प्रमाण मिलता है भगवान कन्हैया धड़ को माई दुर्गा के समर्पित कर ले रहन। आदिशक्ति जगदम्बा के याद कैलन, उ धड़ के सिर से मिला देलन, बर्बरीक के नया जीवन मिलल। उ बर्बरीक के जब जीवन मिलल तब बर्बरी कलश किए, प्रभु हमरा से अब मत कहिया कि मृतलोक में जाके हम कोनो काम करी। हमारी इच्छा कि हम यही तपस्या करके अपने शरीर के त्यागे चाहत है। बर्बरीक ए बाबू तपस्या करके अपने शरीर को जिस स्थान पे अपने शरीर को त्यागा उसी स्थान का नाम खाटू श्याम पढ़ा। विराग अंतिम और आखिरी लाइन हम अरे छुपल भेद मधुसूदन जी दिहले तब बतलाई। अरे अर्जुन भीम नकुल सहदेव को चिंता भारी समाई। अरे माटी हो गई जवनिया बहावत नीरवा हो गईली जवनिया बहावत निर्वा। कभी जी के हमरे इशारा भी बा कि इंसान के जीवन में कभो भी घमंड और अहंकार ना करे के चाहिए। काहे से कि सर्वनाश की तरफ यह ले जाला। भगवान के आहार बतावल गईल बा। यही से जीवन में कभो भी दुई चीज तना लावे के चाहिए। यही से हमरे विराग के और अंतिम आखिरी लाइन है गुरु जी गुरु गणेश गुरु राम लाल आंख अभी है जिंदा। अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी प्यारे लाल के गीत चुनिंदा। फिर ताई जय करी धोखे फसी तो ज्योति गया कभी के